बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैंने अभी समाचार मैंने टाइम देखे हैं कि जब हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7/2022 मैच नंबर 23 कराची की वजह से मुल्तान सुल्तान मैच में कराची की ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कराची की जानब से जो क्लार्क ने 40, शजी खान ने 36, इमाद वसीम ने 32 रन आउट और 16 गेंदों पर और नजीर 21 रन बना सके 21 रन बना सके। मुल्तान की जानब से दहानी ने 2, खुलद शाह ने 1, मुजा रबानी ने 1, रमान रईस ने 1 आउट किया। जवाब में मुल्तान की टीम ने 175 रन का टारगेट जो है वो 19.3 ओवर में चेस किया। मोहम्मद रिजवान ने 76, शान मसूर ने 45, खुद शाह ने 21 रन बनाए नाटो और 114 रन के साथ नाटो रहे 5 गेंदों पर। मीर हमजा ने 2 और जॉर्डन ने 1 आउट किया। जॉर्डन को 4 ओवर में 50 रन पड़ा। जब मुल्तान सुल्तान ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिए। बहुत ही आखिरी 5 ओवर में कराची किंग के बॉलर्स ने मुल्तान को आखिरी 40.3 ओवर में मुल्तान का स्कोर 100 था और सिर्फ और पहली विकेट 100 भी गिरी थी। तो आखिरी 5 ओवर में काम तमाम हो गया। तनकीद का निशाना क्रिस जॉर्डन को मैच देता हूँ। बहुत गंदा सेकंड हाफ ओवर कराया है जिसकी वजह से आप मैच देख रहे थे कि बस ये बाबर आजम बाउंड्री पे खड़े हुए थे, फील्डिंग कर रहे थे, तो बस ये मकरम जो है वो उन पर बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा बनता ही था। इतना गंदा ओवर उन्होंने करवाया है क्रिस जॉर्डन ने, बार हाथ में मैच अपने हाथों ने गिनवाया है। बहुत गंदा ओवर करवाया है क्रिस जॉर्डन ने। इतनी मुश्किल भी थी, बैटिंग भी सही नहीं होती, वो तो मुल्तान को ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया था लेकिन फिर भी बहुत स्लो जा रहे थे। फोर्टिंग मैच थी ओवर में सिर्फ 100 स्कोर हुआ था और एक आउट को पहली विकेट भी गिरी। लेकिन मैच जो है वो कभी कराची के हाथ में आ जाता, कभी गलत मौके पे मिस फील्डिंग की, चौके लगे, गंदी बॉलिंग हुई, गंदी फील्डिंग हुई, मिस फील्डिंग बहुत हुई है। तो मैच जो आपने देखा होगा कराची किंग को दोबारा शिकस्त हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। थैंक यू।